मैनस तो बहुत एक्साइटेड है। आज वेलकम टू द 52nd ब्लॉग ऑफ आज तक सनरो ब्लॉग्स। और आज है 21st फरवरी। तो आप लोग कैसे हो, हाल चाल? आज मैंने सोचा मैं थोड़ा सा पूछ लूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग अपने घर में रहो, हेल्दी रहो। भले ही कोरोना कम हो गया लेकिन फिर भी प्लीज़ प्रिकॉशंस लेते रहो, ऐसे बाहर मत जाना बिना मास्क वगैरह के। और अभी जो है हम जा रहे हैं काम से इलेक्ट्रिसिटी के, और कल जो है कहाँ जा रहे हो? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के काम से, और मानस का एक सेकेंड प्ले, थोड़े एक दो प्ले स्कूल जो हमारे घर के पास है वो देखने हैं। और प्लस में मेरे मम्मा पापा का शूज़ लाए थे, तो वो शूज़ जो है ना मेरे को फिट ही नहीं आया था, उसको चेंज करवाना है, उसको एक्सचेंज करवाना। तो क्या मैं कर रही हूँ ना, डोंट डिस्टर्ब मी। तो इसलिए अभी तो हम चलेंगे। और नवु का पेपर हो रहा है, फिर भी वो हरकतें कर ही जा रही है, उसका कुछ हो नहीं सकता पेपर। तो इसलिए मैं, मानस और मम्मा जाएंगे स्कूटी पे। हो गया मेरा, हरकतें मत करना, वो पढ़ ले, रिवीजन कर ले अगर अभी नहीं हो रहा तो। दे तो दिया एक पेपर डांस का, वो तो कुछ होता ही नहीं है डांस का। मैम ने सारे क्वेश्चंस 30 के 30 क्वेश्चंस ऑर्डर में दिए थे, जैसे लिखवाए थे, इतना मजा आया। अच्छा मम्मा लॉक कर ले, हम चलो चलते हैं। मैं अपना आउटफिट दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने मिरर की तरफ किया। बाय मानस, आप दिखाना ये ये देखो कितने सारे टॉयज हैं। आ गए यहाँ पे मानस के प्ले स्कूल नर्सरी एडमिशन चेकआउट करने के लिए। रुको रुको, क्लोथ ठीक करो, अपने क्लोथ ठीक करो। बाय करो ऐसे। वाह मानस खेल रहे हैं, तो मानस तो बहुत एक्साइटेड है। तो गाइस अभी का टाइम हो रहा है 4, और अभी हम 4 बजे घर आए हैं और हम इतना थक गए। पहले तो हम गए शूज चेंज कराने, फिर उसके बाद हम गए इलेक्ट्रिसिटी के काम से, फिर उसके बाद अब हम उसके बाद गए थे मानस के स्कूल के लिए। तो अब आते आते हमें 4 बज गई और हम इतना थक गए। हम गए तो एक ही स्कूल में थे, 2 स्कूल में गए थे, तो दोनों में हमने पूछा। अभी हम मानस को लेकिन प्ले स्कूल में नहीं, हम सीधा नर्सरी में डालेंगे, बिकॉज वो अप्रैल में जो है वो 3rd ईयर्स का हो जाएगा अप्रैल में, तो इसलिए 3+ बच्चे सीधा नर्सरी में जाते हैं। तो इसलिए हम मानस को नर्सरी में डालेंगे। तो अभी तो हमारी सर्च एंड जा रही है, हम थोड़े से और स्कूल को चेक करेंगे और उसके बाद ही अपना फैसला लेंगे और आपको भी सुनाएंगे। कल भी हमें जाना है और 2-3 स्कूल, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे साथ साथ। तो अब मम्मा से पूछते हैं कि लंच में क्या बना है। चलो पहले पूछ के आती हूँ क्या बना है। भूख लग रही है बहुत तेज, 4 बज गई, सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। हाँ बताओ, नवू तो उधर खा रही है, हम क्या खाएंगे अभी? गाजर आलू। तो अब आप बनाओगी रोटी फिर? हाँ हाँ, हम 10 मिनट में बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई स्कूल पसंद आया? सबको बताओ, बनाना चाहोगे? अभी नहीं, जब जाएगा जब। तो अभी हम 2-3 स्कूल और चेक करके आएंगे। हाँ, ना कल हाँ, अभी और जाना है कल परसों, एक दो देख लेंगे, जब सब देख लेंगे तो बस इस मंथ के एंड से पहले पहले डिक्लेयर कर, इस वीक में कर देंगे। हाँ सॉरी, मंथ कर, वीक में। हाँ क्योंकि मार्च से तो अगर हमने करा दिया फिर तो जाएगा। हाँ, तो कल भी हमने जाना है। तो अभी मम्मा लंच दे दो, बहुत भूख लग रही है। ओके, तो मानस जी अब आपका इंटरव्यू है। आपको स्कूल पसंद आया? स्कूल पसंद आया? आया। तो अब आप फ्रेंड्स बनाओगे? नहीं, फ्रेंड्स नहीं बनाओगे। स्कूल में अच्छे अच्छे से पढ़ोगे? बताओ। ये तो बुद्धू ही है, जब तक स्कूल नहीं जाएगा तेरे को समझ नहीं आएगी कुछ भी मानस। अच्छा स्कूल में टीचर को हेलो करोगे?
नहीं करना। गलत बात ना, सब क्या कर रहे हो आप? टॉयज ट्रांसफर कर रहे हो इधर से उधर, क्यों कर रहे हो? आपको उधर टॉयज दिए ना, ये देखो इधर सारे टॉयज फैला रखे हैं और उधर ट्रांसफर करा जा रहा है, पता नहीं क्या ही कर रहा है। अभी इसको सारे टॉयज यहाँ रखवाती हूँ। सफाई तो लास्ट में मेरे को ही करनी पड़ेगी, फिर मेरे ऊपर तो सारा ऐसे करते थे, खुद जाके लेट देगा मेरे को सफाई दे देगा। ये 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 मानस आप एक्साइटेड हो? ये आप क्या कर रहे हो? जंप, स्कूल में भी ऐसी जंप करनी है, ठीक है? ठीक है, नर्वस नहीं होना। नहीं दूर क्या हो? डॉक्टर रेनु हर जगह आपके लेंगे, इतने इतना टाइम है डॉक्टर रेनु के पास। तो गाइस आज थोड़ा अंधेरा है, अंधेरा नहीं है, ठीक ठीक है, लेकिन बाहर दिखाना ज़रूरी था क्योंकि बाहर जो है हवा चल रही है, जिस तरीके से हमारी लाइट हिल रही है आपको उसी से अंदाज़ा हो रहा होगा। मम्मा ना वो उल्टा मुँह करके खड़ी हुई है गैलरी में, गिर जाऊंगी मैं। और क्या, कुछ पता नहीं ना लगता, एकदम पैर स्लिप हो जाए, कुछ भी हो जाए। और देखो वो कैसे उड़ रही है, चद्दर चद्दर है ना उसको ना, वो कहते हैं कपड़ा बिछा हुआ, जैसे सामने नहीं बिछा हुआ। मजाक कर रहे हो, मेरे में भी अक्कल है। और ये देखो किसी ने सामने पौधे लगा रखे हैं, साल हो गए ये नहीं गिरते, चाहे तेज बारिश हो तूफान हो, चिपका रखे हैं। मुझे लगता है तूफान आया, मिला इसके सर पे ना गिरते, हिलते रहे गिरे। अरे उन्होंने चिपका रखे हैं अच्छे तरीके से। गाइस ये लो, आप भगवान जी के दर्शन कर लो क्योंकि बहुत दिन से आप मिले नहीं थे ना। और ओहो मानस इतनी आरती पूजा कर रहा ना, वो तेरे में ना सही में बहुत वो है, गलती से हर चीज को छेड़ना है तेरे को बस जबरदस्ती। तो मैं क्या कर रही आज, मेरी आज नहीं परसों आई थी, परसों। Oh, my new slippers. इसमें क्या खास बात है? खास वैसे तो मेरी भी है, ये देखो मेरी ज्यादा सुंदर है। नहीं तूने मम्मा की पहनी है, मम्मा ने अपनी दे दी। मम्मा ने कहा कि ना वो मैं तेरी ले लेती हूँ, तू मेरी ले ले। मैंने कहा ओके। अनस इधर देखो, आप स्कूल जाओगे ना, आप टीचर को बताना कि हमारे पास फिश है, ठीक है? ठीक है, मैंने बट कर लो वो ब्रश की बात नहीं हो रही यहाँ पे, फिश की। आप टीचर को बोलना, टीचर मेरे पास फिश है, पोकी, फ्लूपी और नवु ने जो नाम रखे थे, नोरा, क्यारा, पता नहीं क्या क्या। ओके सम टाइम अब रेडी यू वेक अप वेयर इन माय बॉब यू क्विक साबुन आता है पता है बोला जन जन सिंग दिस सॉन्ग सो दैट मीन प्लास्टिक यू मेक मी शेक और मतलब मानो मानो मेरा मानो नन्ना मानो मेरा मानो ओ मानो मेरा मानो मानस आप तो बहुत सुंदर हो, आप बहुत क्यूट हो, किसी भी बच्चे से तारीफ कराने के लिए उसी की तारीफ करें, आप बहुत हैंडसम हो, नहीं 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 आप बहुत प्रीटी हो, आप बहुत पतली हो। मुझे पता है मैं मोटी हूँ, इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? बेइज्जती मत कर। मैं टीचर हूँ, देखा मैं टीचर हूँ क्योंकि मैं मानस को पढ़ाती हूँ। ये बाय मानस जा रहा है, बाय कर दो। बाय मानस। मम्मा नबू कह रही, मम्मा नबू कह रही है उसको भी ले जाओ। मानस आज पिगी बैंक होके जा रहे हैं। बाय मानस। शांत दीदी भी पहुंच रहे हैं नीचे। क्या विचार है यार, डिनर में क्या बनेगा? भरता। क्यों? मम्मा भूल के रखी है, मेरे को लगा पनीर लाके भुर्जी बना देंगे। मैं क्या बताऊं, भरता खाना पड़ेगा। भरता खा लियो, नहीं तो मम्मा तेरा भरता बना देंगे। मैं भूख ऐसे जमीन क्यों क्यों बैठी है? मैं भूख से परेशान हूं। नवू हमारे घर में तीन बेड है, तीनों बेड पे तू बैठ नहीं सकती और जमीन पे बैठी हुई है। मैं भूख से परेशान हो रही हूं इसलिए। तो गाइस लगा पनीर की भुर्जी बनेगी, मेरे को क्या पता ही होगा, अब तो मेरी भूख ही और खराब हो रही है। तो मानस आप सबको हाय करो। हाय। बोलो मैं घर आ गया। तो मानस सब घर आ चुका है और आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, मान
ना वो पीछे है ना, दिख नहीं रही, और आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि डिनर में क्या है। तो इसके साथ हम इस ब्लॉग की समाप्ति नहीं करते हैं, आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तगड़ा में ब्लॉग में क्या